नमस्कार, एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को एक 35 फीट बाय 40 फीट मतलब 1400 स्क्वायर फीट में बनता हुआ घर, साथ में इस घर के सामने की तरफ लगभग 100 स्क्वायर फीट में बनता हुआ एक सुंदर सा पोर्टिको का डिज़ाइन दिखाने वाला हूँ। आप लोग देखिएगा, इस घर के अंदर भी लेकर चलूँगा, दिखाऊँगा कि किस तरीके से अंदर में इस घर के लिए काम किया गया है। आप अपने बनने वाले घर के लिए बहुत सारा आइडिया भी ले सकते हो। अंदर में बहुत अच्छा काम किया गया है। आप देखिएगा, साइज़ मैंने बताया 40 फीट बाय 35 फीट का इस घर को बनाया जा रहा है। सबसे पहले बात कर लेंगे इस बनते हुए घर का साइड व्यू के बारे में। तो देख सकते हो, बॉक्सनुमा डिज़ाइन का 3 विंडो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जो कि ज़्यादातर घरों में आजकल इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ में साइड की तरफ ये जो आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हो, ये इस घर के ऊपर वाला तल्ला के लिए बना हुआ बालकनी है। जब आप पहला फ्लोर का छत का कास्टिंग कराते हो, उसी समय आपको ये सुनिश्चित कर लेना था कि कहाँ पे आपको बालकनी रखना है, ताकि छत के ढलाई के साथ आप बाहर की तरफ छज्जा निकाल सको। यहाँ पे कैंटिलीवर बीम और पट्टी बीम के साथ में जो बालकनी का काम है वो किया गया है, ताकि कभी भी निकला हुआ जो स्लैब है वहाँ पे क्रैक या फिर टूटने का समस्या ना आ सके। तो आप भी इस तरीके से काम करवा सकते हो। इसके साथ साथ इसके ऊपर में जो पैरापेट वाल का काम किया गया है, ये देख सकते हो, बिल्कुल सिंपल वे में काम किया गया है। आप चाहो तो 5 इंची या फिर 10 इंची के साथ में भी पैरापेट वाल का काम करवा सकते हो। साथ में ये पट्टी का जो काम किया गया, जिससे कुछ लोग स्प्रिंग भी बोलते हैं, उसको लगवा लीजिएगा, ताकि आपको जब कलर करवाइएगा तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल सके। तो इस तरीके से इस घर का काम को किया जा रहा है। आइए मैं आपको कॉर्नर भी दिखाता हूँ, फ्रंट भी दिखाता हूँ, फिर जल्दी से इस घर के अंदर चलेंगे और देखेंगे कि आखिर अंदर में किस तरीके से इस घर को बनाया जा रहा है। कॉर्नर व्यू की बात कर ली जाए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो डिज़ाइन का अपने साइड की तरफ विंडो देखा था, उसी डिज़ाइन के साथ सामने की तरफ काम किया गया है। यहाँ पे सामने की तरफ एंगल थोड़ा चेंज करता हूँ, ताकि आप ठीक से समझ पाए। देखिए, 3 फीट का यहाँ पे सिंपल छज्जा निकाला गया है, उसके बाद में फिर 18 से 19 इंच के आसपास तक का ये स्लोप डिज़ाइन का जो छज्जा है उसका काम किया गया है। देखिए, जो स्लोप का काम है छज्जा का, उसको भी जब छत का ढलाई किया गया था उसी समय किया गया था। ऊपर की तरफ देखिएगा तो यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का जो रेलिंग है उसका काम किया गया है। जो स्लोप छज्जा आप देख पा रहे हो, इसके ऊपर में ताली लगाया जाएगा, क्ले रोप लगाया जाएगा, इसके बाद इसका लुक और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो देखिए, ये हो गया इसका फ्रंट व्यू, साइड व्यू, कॉर्नर व्यू, ये इस तरीके से इसे बनाया जा रहा है। हालांकि डिफरेंट एंगल से भी आपको दिखाऊंगा, आप देखिए, और इस घर के अंदर भी चलेंगे, देखेंगे किस तरीके से काम इसका किया जा रहा है। यहाँ पे देखिएगा तो लगभग 12 फीट बाई 10 फीट के आसपास का साइज़ में यहाँ पर इस घर के लिए पोर्टिको बनाया जा रहा है। और किस तरीके से पोर्टिको बनाया जाता है, आप देख सकते हो कि दो यहाँ पर सर्कुलर शेप का कॉलम का इस्तेमाल किया गया है। फ्रंट व्यू कुछ इस तरीके से है। इसके साथ साथ ये देखिएगा स्टेनलेस स्टील का रेलिंग, उसके नीचे में दो रद्दा का जोराई, और उसके सबसे नीचे में देखिएगा तो स्लोप डिज़ाइन का छज्जा है, वो यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे छप्पर का इस्तेमाल किया जाएगा और इस तरीके से इसे बनाया गया है, आप इजीली देख सकते हो। बाहर के बारे में आपने देखा कि किस तरीके से काम किया गया है। अब चलते हैं घर के अंदर और देख लेते हैं कि अंदर में किस तरीके से काम किया गया है। एक बात और आप समझ लीजिए, कभी भी आप पोर्टिको बनवाते हो, जहाँ पर मेन एंट्रेंस है और उसके ऊपर में देखिएगा तो इस तरीके से फ़ैन और लाइट के लिए आपको पॉइंट है वो ज़रूर दिलवा देना है, ताकि आपका रात में भी जो पोर्टिको है वो सुंदर दिखे और आपको हवा भी मिलती रहे। तो इस तरीके से आप पॉइंट दिलवा दीजिएगा छत के ढलाई के समय ही। चलते हैं अंदर और देखते हैं अंदर किस तरीके से काम किया गया है। यहाँ पर लगभग 4.5 फीट बाई 7 फीट के आसपास का साइज़ का मेन इंट्रेंस आपको देखने को मिलता है, ये देख सकते हो। और जैसे ही आप घर में प्रवेश करते हो, ये देखिए, प्रवेश करने के साथ आपको वेटिंग एरिया मिलता है, आप इसे छोटा सा हॉल भी बोल सकते हो, और इसके दोनों तरफ से रूम है, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी यहाँ पर रूम का काम है वो किया गया है। चलिए देखते हैं, 13 फीट बाई 12 फीट के आसपास का साइज़ का ये रूम है। ये देखिए, एक विंडो भी है उधर, आप चाहो तो इन दोनों में से एक रूम को स्टडी रूम या फिर गेस्ट रूम के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि घुसने के साथ पहला रूम है, ऐसा में गेस्ट लोग के लिए भी काफ़ी आसान हो जाता है। तो इस तरीके से काम किया गया है। ये देखिए, ये दूसरा रूम है, दोनों तरफ से एक एक रूम यहाँ पे लगाया गया है, यहाँ पे डबल विंडो का इस्तेमाल है वो किया गया है। चलते हैं अब और अंदर। ये देखिए, यहाँ से मैंने घर में एंटर किया, दोनों तरफ से एक एक रूम, बीच में वेटिंग एरिया, यहाँ पे एक और गेट आ जाता है, उसके बाद आप घर के डायरेक्ट डाइनिंग एरिया में प्रवेश कर जाते हो। ये है इस घर के लिए डाइनिंग एरिया, आप देख पा रहे हो, वहाँ पर किचन है, यहाँ पर है इस घर के लिए तीसरा बेडरूम, सारा चीज़ दिखाऊँगा, आप देखिएगा। उसके साथ उस कॉर्नर पर है चौथा बेडरूम, अटैच्ड टॉयलेट बाथरूम के साथ में,
ये देखिएगा, आपको अभी दिखाऊंगा सारा चीज़, अंदर जाकर मैं दिखाऊंगा। ये देखिए अटैच्ड टॉयलेट बाथरूम के साथ में वहाँ पे है। ये आपका हो गया सीढ़ी रूम, स्टेनलेस स्टील का रेलिंग का काम यहाँ पे किया जा रहा है सीढ़ी में भी। ये कॉमन टॉयलेट बाथरूम हो गया, आप देख सकते हो उसके बगल जो दरवाज़ा है, वास्तव में घर में एंटर किया था। तो और इसके ऊपर में देखिएगा कॉमन टॉयलेट बाथरूम है, अटैच टॉयलेट बाथरूम है, उसके ऊपर में बॉक्स बनाया जा रहा है स्टोर रूम के लिए बॉक्स, ताकि वहाँ पर जो घर का आपका एक्स्ट्रा सामान है उसको आप इजीली वहाँ पे रख सके। तो इस तरीके से यहाँ पे काम को किया जा रहा है। किचन हो गया, तीसरा बेडरूम, चौथा बेडरूम, कॉमन अटैच टॉयलेट बाथरूम, यहाँ पे हो गया सीढ़ी, उसके साथ साथ कॉमन टॉयलेट बाथरूम, इस तरीके से बनाया गया। चलिए एक एक करके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर में किस तरीके से इस प्लास्टर तक का काम किया हुआ घर में काम को किया गया है। यहाँ पर लगभग 32 इंच के आसपास में ऊँचाई वाला एल शेप का किचन प्लेटफॉर्म देखने को मिलता है। सिंक के लिए जगह है, वाल मिक्सर वगैरह के लिए वहाँ पे जगह आप इजीली वहाँ पे देख सकते हो। ये है इस घर के लिए विंडो और किचन में रखने वाला, उसके साथ साथ एग्जॉस्ट फैन के लिए वहाँ पे जगह है वो दिया गया है, और लाइट, दो लाइट के लिए और एक फ़ैन के लिए ऊपर की तरफ यहाँ पे जो बल्ब का पॉइंट है या फिर फैन का पॉइंट है उसे दिया गया है। लिंटल लेवल तक यहाँ पर आपको आने वाला दिन में टाइल का काम किया हुआ देखने को मिलेगा। घुसने के साथ ही जो दरवाज़ा है उसके ऊपर में इस तरीके से आपको छज्जा देखने को मिल जाता है, लगभग 20 इंची के आसपास का चौड़ाई वाला। तो ये किचन हो गया, इसके जस्ट बगल में जो रूम है वहाँ भी चलते हैं, देखते हैं कि आखिर रूम में किस तरीके से काम किया गया। किचन आपने देखा, ये रूम है, वो भी रूम है, वो दोनों में चलेंगे, फिर वहाँ पर सीढ़ी वगैरह हर देख हर चीज़ को आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं रूम में और देखते हैं कि रूम का किस तरीके से काम है वो किया जा रहा है। ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगभग 13 फीट बाई 11 फीट के आसपास का साइज़ का ये रूम है, और इस तरीके से छज्जा भी यहाँ पे दिया गया है। और इसके साथ साथ ये आप देख रहे हो एक और रूम आपको यहाँ पे नज़र आ जाता है, जो कि इस घर के लिए मास्टर बेडरूम होने वाला है। और इस रूम के अंदर में ही मैंने बताया था अटैच्ड टॉयलेट बाथरूम का काम भी किया जा रहा है। रूम के अंदर में बाथरूम बनाया गया है, ये देख सकते हो यहाँ से दरवाज़ा है, और इस रूम के लिए मेन एंट्रेंस दाहिने की तरफ है। ये विंडो आपका हो गया इस तरीके से, दो वेंटिलेटर हो गया, वो छज्जा हो गया, और इस तरीके से काम है वो किया जा रहा है। आप देख सकते हो ये मेन जो डोर है वो हो गया रूम के लिए। इसके बगल में आपको सीढ़ी रूम भी है, अभी चल के आपको दिखाऊँगा। और इसके साथ साथ किस तरीके से इसे बनाया गया है, ये वीडियो आपको कैसा लगा है ज़रूर बता लीजिएगा। ये यहाँ पे हो गया सीढ़ी, स्टेनलेस स्टील का रेलिंग के साथ में कंप्लीट किया जा रहा है। ये कॉमन टॉयलेट बाथरूम हो गया। तो इस तरीका से इस घर को बनाया जा रहा है, आप बहुत ही आसानी के साथ देख सकते हो। इंटर के साथ दोनों तरफ से एक एक रूम भी आपको मिला था। तो इस तरीका से आपने देखा कि सिर्फ 35 फीट बाई 40 फीट में किस तरीके से चार बेडरूम के साथ हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट बाथरूम के साथ सीढ़ी बना लिया गया है। ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। घर का फर्श का काम अभी कंप्लीट नहीं किया गया, सिर्फ ढलाई के साथ इसे रोका गया है, बाद में आपको टाइल यहाँ पे लगा हुआ देखने को मिलने वाला है। दोस्तों बहुत सारा घर का डिज़ाइन वाला वीडियो डायरेक्ट साइट से देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको डेली बेसिस पे घर बनाने से संबंधित वीडियो मिल रहा है और मिलता रहेगा कंस्ट्रक्शन कोस्ट के साथ में। इस घर का कंस्ट्रक्शन कोस्ट का वीडियो भी आएगा जब कलर हो जाएगा, उसके बाद भी आप लोग के लिए स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लें जिन्हें प्रभात, और हमारे पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।